फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खाने के शौकीन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोहे के पत्ते के पकौड़े, जो कि तवा फ्राई रेसिपी से। तो पोहे के पत्ते हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। पोहे के पत्ते के पकौड़े बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम पोहे के पत्ते, जिसे अच्छे से धोकर साफ़ करके काट लिया है। तो चलिए अब इसके लिए बैटर बनाते हैं। तो बैटर बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप चावल, जिसे 6 से 8 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। अब इसे छान कर एक मिक्सी ग्राइंडर में डालेंगे। बस 1 से 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल करना है इसे ग्राइंड करने के लिए। अब इसके बाद 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 से 3 टुकड़े मिर्च के, 15 से 20 लहसुन की कलियां, नमक स्वाद अनुसार, और अब इसे ग्राइंड करेंगे। आप चाहे तो इसे चावल का आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से बैटर बन चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, ये थिक रहेगी इस तरीके से। तो अब इस बैटर को पोहे के पत्ते में डाल देंगे। ये देखिए, मैं स्पून की हेल्प से सारे बैटर को निकाल रही हूँ और इसमें इस तरीके से सारे डाल देंगे बैटर को। तो ये देखिए, ये सारे बैटर को मैंने डाल दिया है। अब इसे मिक्स करेंगे। अगर आपको बैटर कम पड़ जाए तो आप ऊपर से इसमें सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कम है बैटर, तो मैं 2 टेबल स्पून सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत ही हेल्दी हैं। पोहे के पत्ते हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए, तो चलिए अब इसे फ्राई करेंगे। ये बैटर बन के तैयार है। तो एक तवा लिया है मैंने, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। तवा को गरम कर लेंगे, फ्लेम को हाई टू मीडियम ही रखेंगे। ये अब तवा गरम हो चुका है, तो अब स्पून की हेल्प से इस तरीके से डाल देंगे और इसे पकौड़े के शेप में इस तरीके से स्पून की हेल्प से तवे पे डाल देंगे। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से डाल देती हूँ। ये देखिए, फ्लेम को अब मीडियम ही कर देंगे, क्योंकि अगर हाई रहेगा फ्लेम तो पकौड़ा जल सकता है। आप कम ऑयल में पकौड़ों को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। जिन लोगों को ऑयल कम पसंद है खाना, तो ये रेसिपी उनके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। तो ये देखिए, मैंने सारे पकौड़ों को डाल दिए हैं। अब एक बार पलट कर इसे देख लेंगे। तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ पका है कि नहीं दूसरे साइड। तो ये देखिए, ये अभी पूरी तरीके से पका नहीं है, तो मैं वापस से मैंने उसमें वैसी साइड को कर दिया है। अब मैंने हल्का सा ऑयल डाला है दूसरे साइड। बस 2 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है मैंने। तो अब इसे दूसरे साइड भी मैं पलट देती हूँ। तो ये देखिए, इसे धीरे धीरे करके इसे पलट लेंगे। मैं स्पून की हेल्प ले रही हूँ इसे दूसरे साइड पलटने के लिए। तो ये देखिए, मैं इसे भी ऐसे ही पलट लेती हूँ। ये एक साइड बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। ये एक साइड आपको पकने में 10 मिनट लगेगा लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है। तो ये देखिए, इस तरीके से एक बार चेक कर लेंगे दूसरे साइड पका है कि नहीं। तो ये अभी नहीं पका है, क्योंकि अभी बिल्कुल हरा हरा था। हमें लाइट ब्राउन होने तक इसे पकाना है। तो ये देखिए, अब ये पक चुका है, लाइट ब्राउन हो चुका है। तो ये देखिए, मैं सारे पकौड़ों को दूसरे साइड पलट लेती हूँ।
ये कम ऑयल में बहुत ही अच्छे तरीके से आप पकौड़े बना सकते हैं। तो ये देखिए पकौड़े बन के तैयार है, तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। आप इन पकौड़ों को राइस के साथ सर्व कर सकते हैं या रोटी पे भी आप इसे ऑप्शनल सर्व कर सकते हैं। आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, शाम के स्नैक्स में खा सकते हैं। आप इसे चाय या अपने पसंद की किसी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस पोहे के पत्ते के पकौड़े को आप घर में ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ये रेसिपी कैसी बनी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं हम अगले व्यंजन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।